हेलो एवरीवन। देखिए, अगर लास्ट लेक्चर में अपन ने जो है वो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था और एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने के कुछ मेथड देखे थे, मींस क्वेश्चन करवाए थे मैंने सारे। ठीक है, आज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा टाइट्रेशन से रिलेटेड बात करते हैं और उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट की भी बात करेंगे। लास्ट क्लास में आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब उन क्वेश्चन को वापस सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इक्विवेलेंस का कंसेप्ट लगा रहा था मैं। ठीक है, बात चले, आज अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल अप्लाई करना आना चाहिए। आप हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू बिकम्स कलरलेस बाई 2 मोल ऑफ SnCl2। ये प्रॉब्लम दे रखी है आपको। ठीक है, ठीक है जी, सुने बात को। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो समझना इसका मतलब क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू बिकम कलरलेस बाई 2 मोल ऑफ SnCl2। ये KMnO4 हो गया, ये SnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SnCl2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये मेरे को मालूम है, तो इसका मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा, सेल्फ का रिडक्शन करेगा। अगर सेल्फ का रिडक्शन करता तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम, अपन लास्ट में बात कर चुके, तीनों मीडियम में जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे बात हुई है कलरलेस, मैंने कलर भी बताया था, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है, Mn+2 में जाता है। तो यहां पे कलरलेस की बात हुई है, इसका मतलब Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और SnCl2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो Sn का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक अब काम में आ रही है। ठीक है, हाँ, KMnO4 और SnCl2, देखो इक्विवेलेंस तो सबके बराबर होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SnCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Mn+2, जो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस था उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन अपन को क्या रिक्वायर्ड है, KMnO4 और SnCl2 ही तो है। ठीक है, हाँ, ये देख ले, इक्विवेलेंस है तो मोल की बात चल रही है, तो मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ SnCl2, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, KMnO4 के मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने कहा मोल ऑफ KMnO4, एन फैक्टर +7 है, +2 में गया, 5 का एन फैक्टर आ गया, एन फैक्टर तो चेक करना आता होगा। SnCl2 के 2 मोल है, मल्टीप्लाई बाई, +2 में है, +4 में जा रहा है, एन फैक्टर 2, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 4/5 में 0.8 मोल रिक्वायर्ड है। KMnO4 के 0.8 मोल जो होंगे SnCl2 के 2 मोल के थ्रू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज 1 मोल फेरस ऑक्सैलेट कंप्लीटली। 1 मोल फेरस ऑक्सैलेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज 1 मोल फेरस ऑक्सैलेट कंप्लीटली। फेरस ऑक्सैलेट को क्या करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। फेरस ऑक्सैलेट को क्या करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। तो मैंने ये बोला है कि K2Cr2O7 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सुनना बात, एसिडिक मीडियम है तो K2Cr2O7 तो मेरे को मालूम है कि एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो K2Cr2O7
प्लस फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला ये होगा, एसिडिक मीडियम है तो ये लीजिएगा H प्लस, ठीक है, ये बनेगा Cr प्लस 3। बेटा अब ढंग से सुनना बात को, इसमें आयरन प्लस 2 में है, इसमें आयरन प्लस 2 में है और ऑक्सलेट C2O4 माइनस 2 में, तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा प्लस 3 में जाएगा और ऑक्सलेट का भी होगा वो CO2 में कन्वर्ट होगा, दोनों का होगा, Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सलेट का भी होगा। बात क्लियर? बोलो। अब सुनना बात को, अब सुने बात को, सुनो सुनो सुनो। इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सलेट, ठीक है, मैं n फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं इधर फेरस ऑक्सलेट का, फेरस ऑक्सलेट कन्वर्ट हुआ है सुने बात को प्लस 3 में एंड CO2 में, यही तो बात हुई है। अगर ये बात हुई है तो देखिए Fe प्लस 2 कन्वर्ट हुआ Fe प्लस 3 में, तो एक का चेंज, एक ही आयरन है, प्लस यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है, यहां पे प्लस 4 है, तो एक और कार्बन कितने हैं 2, तो कितने का चेंज आ गया 3। एन फैक्टर जो होगा वो फेरस ऑक्सलेट का 3 होगा, मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया क्यों रिक्वायर्ड है, इसका मोल इंटू एन फैक्टर, प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा तो 3 × 2, ये एन फैक्टर हो गया किसका, K2Cr2O7 का, इसका कितना मोल दे रखा है 1 × कितना 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 3/6 मींस 1/2। बोलो भैया आया समझ में? फेरस ऑक्सलेट में लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे फेरिक ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, गलत है, या ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, गलत हो जाएगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट होगा। बात आई समझ में? ये तो दोनों क्वेश्चन हो गए मोल से रिलेटेड, आगे देखिए वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, ठीक है, चले आगे देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन को डील करते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये तो रेडॉक्स के, अभी एसिड बेस के भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 mL ऑक्सैलिक एसिड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 mL ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.01 mole ऑफ KMnO4 इंटू MnO2, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इधर मैंने तो सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड बोले तो C2O4-2 लिख सकते हो आप इसे, तो ये जब हो रहा है रिएक्शन तो MnO2 में कन्वर्ट होगा प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है बात। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलेट या ऑक्सैलिक एसिड, सही बात है, बराबर होना चाहिए, इसका मोल दे रखा है तो मोल दे रखा है 0.01 इंटू एन फैक्टर, प्लस 7 में है भैया, इधर प्लस 4 में आ रहा है तो 3 का आएगा, इज इक्वल टू ऑक्सैलिक एसिड का दे रखा है अपन को क्या, मोलारिटी, क्या दे रखा है, मोलारिटी, तो मोलारिटी को पहले कन्वर्ट करो नॉर्मेलिटी में, यहाँ पे कितना दे रखा है ऑक्सैलिक एसिड का प्लस 3 है, प्लस 4 में जाएगा मतलब चेंज 1 का आएगा 2 इंटू ये आ गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इन लीटर आएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.03 / 0.2, इसका मतलब 0.3 / 2 आएगा, 0.15 लीटर आएगा,
वॉल्यूम इन एमएल में चाहिएगा तो 150 एमएल आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। देख लो इस बार एन इंटू वी लगाया, एन कैसे आया, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर से आ गया। ये देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है। अब आपको ऑन डिमांड क्वेश्चन ये चेक करना पड़ेगा इक्विवेलेंस किसको बराबर लिखे जाए, मोल इंटू एन फैक्टर लिखे, कभी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लिखा हुआ आएगा, वो ऑन डिमांड जो आपको फॉर्मूला लिखा है उसी में से यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाउ मच मास ऑफ FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 20 ml ऑफ वन नॉर्मल KMnO4 बाय वन नॉर्मल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, मेरे को मीडियम रिक्वायर्ड भी नहीं था बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। हाउ मच मास ऑफ FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 20 ml ऑफ वन नॉर्मल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। मैंने कहा, सुने बात को, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि KMnO4 की रिएक्शन हो रही है फेरस सल्फेट के साथ, तो एसिडिक मीडियम है तो Mn+2 आएगा, Fe+2 को कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। Equivalence of KMnO4 is equal to equivalence of ferrous sulfate, ये बात तो रहेगी तय, यही तो बात होगी, ठीक है। Equivalence of KMnO4 अगर अपन को चेक करना है तो देखो कैसे करेंगे, KMnO4 का इक्विवेलेंस होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 20 ml, लीटर में कन्वर्ट कर दो, n इंटू वी, ये इक्विवेलेंस का ही तो फॉर्मूला है n इंटू वी। अच्छा, इसका मेरे को कैलकुलेट करना है मास, तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये होगा। चलो 2 × 10⁻², मास मेरे को कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 152, एन फैक्टर प्लस 2 वाला गया प्लस 3 में तो 1 आ गया, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा 152 × 2 × 10⁻², तो ये आ जाएगा 3.04 ग्राम आ जाएगा, किसका, FeSO4 का मास, FeSO4 का मास कितना आ जाएगा 3.04 ग्राम आ जाएगा। कर लोगे इस टाइप से, बोलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखे क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, 0.158 ग्राम हाइपो सॉल्यूशन, एक सेकेंड भैया वेट वन सेकेंड, 0.1 molar KMnO4 is required in basic medium to oxidize 0.158 ग्राम हाइपो सॉल्यूशन, ये दे रखा है 0.158 ग्राम हाइपो सॉल्यूशन के बेसिक मीडियम में कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए 0.1 मोलर KMnO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे करें क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है, बेसिक मीडियम है तो KMnO4 जो होगा हाइपो सॉल्यूशन S2O3-2, बेसिक मीडियम है तो MnO2 में कन्वर्ट होगा प्लस S4O6-2 में कन्वर्ट होगा, यही होगा बेसिक मीडियम,
बोलो भैया क्या गलत लिखा है मैंने? ये आपने लिखा है गलत, उसका रीजन बता देता हूं। ये था हाइपो सॉल्यूशन जो है वो टेट्राथायोनेट आयन में तब कन्वर्ट होता है जब मीडियम एसिडिक को कल लिखाया था। ये कन्वर्ट होगा SO4 माइनस 2 में, इसमें कन्वर्ट होगा SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए, कल लिखवाए भी थे एन फैक्टर कैलकुलेट करते टाइम। अब सुने बात को, अपन को एन फैक्टर चेक करना है। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ थायोसल्फेट, ठीक है। हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं Na2S2O3 को, Na2S2O3 को बोलते हैं। तो मैंने उसकी स्पीसीज लिखी है बस अभी। मेरे को पूछा है वॉल्यूम, तो मोलारिटी दे रखी है 0.1 इंटू एन फैक्टर बताओ 3 आएगा इंटू वॉल्यूम वी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा इसका कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर बताओ भैया पहले तो इसका इक्विवेलेंट मास आया, फिर इसका एन फैक्टर होगा, अभी ये है प्लस 2 में और इधर जा रहा है प्लस 6 में, 4 8 आ गया एन फैक्टर, एन फैक्टर आ गया 8, तो इसका मतलब ये होगा इसका मास दे रखा है 0.158 अपॉन, इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करो 64 और 46, 158 आएगा, 158 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे हो जाएगा देखिएगा, 0.1 इंटू 3 इंटू वी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, तो वी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.3, यही आएगा 80/3 ml आएगा, अप्रोक्सीमेट 27 ml आ जाएगा। ये लो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 27 ml आ जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस को बराबर करते दो आंसर आते जा रहे हैं, इक्विवेलेंस को बराबर करते जाओ आंसर आते जाएंगे, ठीक है बात। चले आगे, आगे देखो और देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। बट आपके मॉड्यूल वगैरह में डबल टाइट्रेशन वगैरह लिखे हुए, डबल टाइट्रेशन जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, है ना, तो मैं वो करवा नहीं रहा हूँ। और बाकी जितने भी टाइट्रेशन लिखे हैं वो नाम से लिखे हुए हैं, मैंने नाम से एक भी टाइट्रेशन नहीं लिखा है, मैंने उन सबको क्वेश्चन की फॉर्मेट में किया है। नाम से आपको क्या लेना देना, वहां पे लिखा हुआ होगा सिंपल टाइट्रेशन, ये सिंपल टाइट्रेशन ही चल रहा है, वहां पे लिखा हुआ रेडॉक्स टाइट्रेशन, मैं जो करवा रहा हूँ वो रेडॉक्स टाइट्रेशन ही तो है। अभी एसिड बेस, एसिड और बेस दूंगा तो उसका नाम एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगा। डबल टाइट्रेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिलेबस में भी नहीं है फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन जो आएगा वो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का आएगा, तो वो क्या होता है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन नया नहीं बनने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिफ्टी एम एल एच टू ओ टू रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ के आई इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। Released iodine required 20 ml of 0.1 molar hyposolution for complete reaction. Calculate the concentration of H2O2 in gram per ml, या
इसमें कैलकुलेट कर लो, ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर लो। ठीक है करो, देखे करो करो। सुने बात को, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सुनने बात को, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, आयोडीन आई ना, एच टू ओ टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, के आई एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन होगी तो रिलीज होगा आई टू, साथ में क्या बनेगा मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ये आई टू रिलीज हुई है तो आई टू जो होता है हाइपोसोल्यूशन Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करके Na2S4O6 प्लस NaI बनाता है, रिएक्शन तो ये होने वाली है। ठीक है एक बात ध्यान रखे, जो ये आई टू होती है वो स्टार्च के साथ जो होती है कॉम्प्लेक्स बना के ब्लू कलर देती है। ठीक है आई टू जो होती है वो स्टार्च के साथ कैसा कलर देती है, ब्लू कलर देती है, लेकिन जैसे ही NaI बन जाता है तो उसके साथ स्टार्च जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो इसमें आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जब होता है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हो या फिर आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन हो, इसमें स्टार्च जो होता है एज ए इंडिकेटर की तरह काम में आता है। किसकी तरह काम में आता है, एज ए इंडिकेटर की तरह काम में आता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन होता है तो इंडिकेटर कौन होता है, तो उसका इंडिकेटर कौन हो जाएगा, स्टार्च, जो आई टू के साथ तो ब्लू कलर देता है लेकिन सोडियम आयोडाइड के साथ कैसा होता है, कलरलेस होता है। सुने बात को आगे। ठीक है अब इस क्वेश्चन को डील करना है, अपन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 होगा फर्स्ट वाली रिएक्शन में। मैं इन दोनों के बराबर क्यों कर रहा हूं, क्यों I2 काम में आ रहा है पर I2 नेक्स्ट रिएक्शन में और गया, तो मैं ऐसा बोलूं इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3। इन दोनों रिएक्शन से ये कॉन्क्लूजन निकला, इट मींस इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3। बोलो यही तो बात आई, यही तो बात आया भैया। ठीक है यही तो बात हो गई। चलो अपन को इसका ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इसका मास कैलकुलेट करना है। वो 50 ml का मास आ जाएगा, जो मास आएगा वो 50 ml का आएगा। तो ठीक है मेरे का मास का फॉर्मूला लगाना, तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इधर देखिए इक्विवेलेंस को क्या दे रखा है, हाइपोसोल्यूशन मोलारिटी दे रखी है 0.1 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम है 20 ml, ये लो जो इधर देखिए यहां पे Na2S2O3 है ना, तो यहां पे है प्लस का 2 और यहां पे आएगा प्लस का 2.5, कितने का चेंज हुआ 0.5 का चेंज हुआ, कितने सल्फर है 2, 0.5 इंटू 2 एन फैक्टर कितना आएगा 1 ही आएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसका तो एन फैक्टर H2O2 का 2 रहता है ना, तो 34/2 17 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा अपना कितना 2 × 10⁻³, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 17 × 10⁻³, 34 × 10⁻³ ग्राम। ये किसमें आया इन 50 ml, 50 ml में 34 × 10⁻³ आएगा, अपन को तो चाहिए ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर मास ऑफ H2O2 इन 1 L, तो मैं बोलूंगा 1 L में इतना आ जाएगा, फिर तो 1 L का मतलब होता 1000 ml, कैंसिल आउट हो जाएगा 34/50, तो कितना हो जाएगा देखो 0.68 g/L आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.68 g/L आ जाएगा, समझ में आ रहा है 0.68 g/L आ जाएगा। मैंने क्या किया, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 को इक्विवेलेंस ऑफ I2 के बराबर कर दिया इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। पहले यहां बोला था आयोडीन रिलीज हुई है तो मैंने आयोडीन रिलीज करवा दिया और इसकी रिएक्शन करवा दी हाइपोसोल्यूशन के साथ, बोलो हाइपोसोल्यूशन के साथ करवाई तो ये रिएक्शन बनी,
ठीक है, तो मैंने कहा इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ, सॉरी यहां पे H2O2 आएगा भैया, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। नेक्स्ट रिएक्शन में बोला इक्विवेलेंस ऑफ I2 जो होगा वो इक्विवेलेंस ऑफ हाइपोसोल्यूशन के बराबर होगा, तो मैंने कहा इट मींस इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपोसोल्यूशन, ये होना चाहिए। मैंने कहा ये होगा तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका लगा दिया इक्विवेलेंट और सॉल्व कर लिया। ये जो मास आया ना अपने पास वो 50 ml में आया। सर मास क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या रिक्वायर्ड है, ग्राम पर लीटर, तो मेरे को मालूम चल गया ना मास कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसलिए मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखा है यहाँ पे। ये 50 ml में आएगा, मेरे को पर लीटर में पूछा, तो 50 ml में इतना है तो पर लीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या, कर लोगे। चलो एक प्रॉब्लम और देखो इससे रिलेटेड, थोड़ा सा टफ रहेंगे ये बात मैं बोल रहा हूं आपको। हाँ एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करवाए थे ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे काफी हद तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 7, 0.5 ग्राम ऑक्सलेट सैंपल, 0.5 ग्राम ऑक्सलेट सैंपल डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन, ये बोल रहा है। आगे क्या बोला गया है, फिफ्टीन एम एल ऑफ एन बाई ट्वेंटी KMnO4 इज रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ दिस सैंपल, इस सैंपल के 10 ml के लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो ये बोला है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, मेरे से ये पूछा गया था 0.5 ग्राम ऑक्सलेट सैंपल है, इसको डिजोल्व किया वाटर में और उसका 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, 15 ml ऑफ n बाई 20 KMnO4 इज रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ द सैंपल, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, कर लेंगे कैलकुलेट, देखो समझो बात, KMnO4 है, नॉर्मेलिटी दे दी ना n/20, तो मेरे को ये मालूम ही नहीं करना कि आगे किस में गया है, ठीक है ना, प्लस क्या दे रखा है ऑक्सलेट C2O4-2, ये तो मेरे को मालूम है कि C2O4-2 तो किस में कन्वर्ट होगा CO2 में, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सलेट आयन, ये लीजिएगा साहब। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका मीनिंग क्या रहना चाहिए परसेंटेज प्योरिटी का, तो मैं बोलूंगा इसका मीनिंग ये होना चाहिए 0.5 ग्राम में से सपोज करो अगर 0.25 ग्राम ऑक्सलेट आयन हुआ, 0.5 ग्राम तो सैंपल है ना, अगर 0.25 ग्राम ही उसके अंदर ऑक्सलेट है तो इसका मतलब क्या होगा 50% ही प्योर है ना, तो इसका मतलब मेरे को एक्चुअल में ऑक्सलेट का मास चाहिए, एक्चुअल में ऑक्सलेट का क्या चाहिए, मास चाहिए, तो देखो क्या आएगा, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 n/20 मींस 1/20 इनटू 15 ml 10^-3 का मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंस इसका n फैक्टर 2 आएगा, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कर दिया जाए, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 88/2 44, तो मास ऑफ ऑक्सलेट 44 इंटू 15/20 इंटू 10^-3, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 33 इंटू 10^-3 ग्राम,
मीन्स 0.033 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ C2O4 माइनस टू। एक बात बताओ, ये कितने ml का मास था? 10 ml का। और मेरे को स्टार्टिंग में सैंपल कितना मिला है? 100 ml का। तो मास ऑफ ऑक्सेलेट आयन इन 100 ml वो कितना हो जाएगा? 10 में इतना है तो 100 में इतना हो जाएगा 0.33 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 0.33 डिवाइड बाई टोटल मास स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाई 100। यही होगा, बोलो ये होगा। तो एक काम करो, यही तो बात है, 330 डिवाइड बाई 5, 66 परसेंटेज क्या है? प्योर है। कितना परसेंटेज प्योर है? 66 परसेंटेज क्या आ गया? प्योर आ गया। ठीक है बात। एक एसिड बेस टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, एसिड बेस टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन देख ले कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 एम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.365 ग्राम HCl ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.365 ग्राम HCl एंड 0.245 ग्राम H2SO4। ये एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन एसिड बेस टाइट्रेशन का हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक जितने भी करवाए वो रेडॉक्स के थे, रेडॉक्स में आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन भी था। सारी बात हो गई, देखो ठीक है। चलो, आपसे पूछा गया हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.365 ग्राम HCl एंड 0.245 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो कैलकुलेट करना, करे कैलकुलेट, करे करे सोल्व करे। इसका मतलब ये एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस? बोलो भैया, एसिड और बेस के इक्विवेलेंस क्या होंगे? बराबर होंगे। करो बराबर, बराबर कर रहा हूं। एसिड में कौन आएगा? इक्विवेलेंस ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लो HCl का इक्विवेलेंस मास दे रखा है, तो इक्विवेलेंट मास का डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट मास कितना होता? 36.5 ही होता है। अभी ये याद होना चाहिए, लिखवा रखे सारे। 0.245 ग्राम है अपॉन कितना होता है? 49। ये लो इक्विवेलेंस आ गया। कितना दे रखा है? 0.1 इंटू 2 इंटू क्या आ रहा है? वॉल्यूम। अगर ये ml में रखता हूं, अगर ये वॉल्यूम ml में आना चाहिए, ये वॉल्यूम किसमें लेके आ रहे हो आप? ये वॉल्यूम लीटर में आएगा। आप तो एक बात सोचो, वॉल्यूम किसमें आएगा? लीटर में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम किसमें आएगा? लीटर में। तो वॉल्यूम जो आएगा लीटर में वो आ जाएगा 1/0.2। इसको अपॉन में लेके आ जाओ, ये लीटर में आएगा। अगर ml में कन्वर्ट करना तो 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1000 ये हो जाएगा 365 मतलब 10, ये 245 तो हो जाएगा 15, तो 0.2 इंटू ये हो जाएगा 15 ml में लाने के लिए। कितना ml आ जाएगा? 75 ml। कितना आ जाएगा? 75 ml। बेटा ये लीटर में, तो इसको अगर ml में कन्वर्ट करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, 245 डिवाइड बाई 495, 365 डिवाइड बाई 36.5, 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15, 15 डिवाइड बाई 0.2 कितना हो जाएगा? 75 ml हो जाएगा।
ये टाइट्रेशन से रिलेटेड, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन। अब अपन एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड अपन देखिए क्वेश्चन कौन कौन से अपन को अब करने हैं। चलिए मैं हेडिंग कुछ नहीं लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन करते हुए जाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हुए जाओ, अपना आप आंसर आते जाएंगे। अब मैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस के हो गए, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए सारे। एक के क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक के क्वेश्चन करवा रहा हूं सबका, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 0.16 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.44 ग्राम CO2 एंड 0.44 ग्राम CO2 एंड 0.18 ग्राम H2O, 0.18 ग्राम H2O ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है, ये दे रखा है अपन को एस्टिमेशन। देन कैलकुलेट या देन फाइंड आउट, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंपाउंड। परसेंटेज बताना है कार्बन और हाइड्रोजन का किसके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, अपन से ये पूछा गया। तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन का, कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन से रिलेटेड फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम आ रही है। दोगो कैसे करें इसको, एक बात बताओ, सुनना बात को, सुने बात को, अगर CO2 लेता हूं मैं, अगर CO2 ली जाए, ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि CO2 का जब 44 ग्राम होता है तो इसमें कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम, बोलो भैया, जब CO2 44 ग्राम होती है तो कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। मेरे को कितना CO2 दे रखा है, 0.44 ग्राम CO2 दे रखा है, इसका मतलब कार्बन होगा 0.12 ग्राम। ये तो बात हुई, मैंने इधर 0.2 शिफ्ट किया तो इधर भी 0.2 शिफ्ट कर दूं, 0.12 ग्राम होगी। चलो H2O से अपन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करें तो अगर 18 ग्राम H2O होता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। मेरे को 0.18 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब 0.02 ग्राम हाइड्रोजन होगा, बोलो भैया, ये मेरे पास आ गया। कार्बन कहीं और गया नहीं CO2 के अलावा, हाइड्रोजन कहीं H2O के अलावा गया नहीं, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा, CO2 से एनालिसिस से कार्बन कैलकुलेट कर लिया, H2O के एनालिसिस से हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की साइड में CO2 जब बन रहा है तो उसमें 0.12 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब रिएक्टेंट की साइड में भी 0.12 ग्राम ही होना चाहिए। 0.02 ग्राम हाइड्रोजन H2O में आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट की साइड में भी 0.02 ग्राम ही होना चाहिए। ये तो बात हुई ना, बोलो, क्या नहीं आया समझ में, समझो, एक और समझाता हूं। जैसे सपोज करो मैंने ऐसा दे दिया, CH4 दे दिया, तो एक बात बताओ, ये बना CO2 प्लस H2 बन गया, इसके कंबशन से बनाया, जैसे मान लो इसके कंबशन से बना। अब ये बोल रहा है कि जैसे सपोज करो कि इसके अंदर CO2 के अंदर जो है वो, मान लो इसने कहा अपन से कि 1.2 ग्राम जो है वो कार्बन है, कितना है 1.2 ग्राम, और H2O जो बन रहा है, ये ऐसा बोल दे 4.4 ग्राम ये बना है CO2 और 3.6 ग्राम ये बना है H2, तो अपन क्या करेंगे,
कि सीओ टू 44 होता तो कार्बन 12 होता, 4.4 है इसका मतलब 1.2 ग्राम कार्बन हो गया। H2O 18 ग्राम होता है तो 2 ग्राम ये होता है, 36 में 4 होता है तो 0.4 ग्राम हो गया। दोनों को ऐड करो, कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए 1.6, इधर कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए 1.6 ग्राम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल होना चाहिए ना। अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल है तो अपन ऐसे ही तो चेक करते हैं। तो सुने बात वापस, मैंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया। कहां से कैलकुलेट किया, CO2 में CO2 44 ग्राम होती है तो कार्बन 12 ग्राम, 0.44 ग्राम होगा तो 0.12 ग्राम हो जाएगा कौन, कार्बन। इसी टाइप से H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, देखो 2HR रखे तो 0.18 ग्राम में कितना आएगा, 0.02 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। ये तो बात हुई, 0.02 ग्राम हाइड्रोजन आएगा, ये बात क्लियर हो गई। कार्बन का मास आ गया, हाइड्रोजन का मास आया, ये प्रोडक्ट की साइड में है तो ये रिएक्टेंट की साइड में भी होगा। तो मैं सीधा बोल दूं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा वो कितना होना चाहिए, 0.212 डिवाइड बाई 0.16 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो 0.02 डिवाइड बाई 0.16 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा, 12.5%। ये आ गया कार्बन का और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। एक क्वेश्चन और देखे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन 3.08 ग्राम CO2 एंड 0.72 ग्राम H2O प्रोड्यूस, what is the empirical formula of hydrocarbon, ये अपन से पूछा गया है। सुने बात को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैंने किया क्या, CO2 है इससे कार्बन चेक कर लो क्योंकि हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से ही बना है। अगर CO2 44 ग्राम होता तो कार्बन 12 ग्राम होता, 308 ग्राम का मतलब इसका 7 टाइम्स है तो इधर 7 टाइम्स क्या होता, 84। ये 3.08 है तो ये 0.084 ग्राम आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है तो 3.08 में कितना होगा, 12/44 इंटू 3.08 कर देना, 0.84 ग्राम आ जाएगा। ये तो हो गया कार्बन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2O से अपन को मिलता है H, तो जब ये 18 ग्राम होता है तो ये 2 ग्राम होता है, ये 72 ग्राम होता है 4 टाइम्स है तो इधर भी 8 ग्राम होगा, ये 0.72 ग्राम है तो ये 0.08 ग्राम होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में जो होगा, ये CO2 में आ रहा है, ये हाइड्रोजन का मास आ रहा है H2O में, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में भी यही मास होगा, 0.08 ग्राम होगा और ये 0.84 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते थे, 0.84 और ये हो गया 0.08, ये तो लिखते हैं अपन मास, लिखते हैं मास। अब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 12 और इधर क्या करेंगे, 1 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 0.07, ये कितना आ जाएगा 0.08। इंटीजर बनाना है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, कार्बन के 7 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H8। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C7H8। बात समझ में आई या नहीं आई, मैंने तो हाइड्रोकार्बन का एनालिसिस किया CO2 और H2O सेम सिमिलर वे में जैसे पहले किया है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन आ गया, यहां तक तो अपन पहले किया, वहां तक तो किया ही है। अब आगे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, मास आता है
नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है, डिवाइड बाई एटोमिक मास, ये डिवाइड बाई एटोमिक मास, ये नंबर ऑफ एटम आ गया, ये नंबर ऑफ एटम आ गया। अब ये होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड करो 7 और 8, तो इंपेरिकल फॉर्मूला C7H8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दो क्वेश्चन हो गए। एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के क्वेश्चन हो गए दोनों। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हेलोजन का मेथड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 250 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूछा गया है आपसे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, करो कैलकुलेट करो। देखिए इसको, ये हेलोजन के एस्टिमेशन का मेथड है, और हेलोजन का एस्टिमेशन का मेथड है ना, हेलोजन एस्टिमेशन का मेथड जो है, हेलोजन हो सल्फर हो, कैरियस मेथड बोलते हैं। सुने बात को, क्या हो सकता है, अगर कोई कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस टाइप का था CXHY, ठीक है, और इसके अंदर BR या कोई भी हेलोजन था Z, इसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, AgBr बनता है, यही बात हो, तो ये बोला AgBr देता है, तो ये इस टाइप से AgBr दे देगा। मेरे को परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैलकुलेट करना, तो मैं एक काम कर लूं, AgBr में ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है या मास ऑफ Br कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, सुनना बात को ढंग से, बात को ढंग से सुने, कैसे कैलकुलेट करना है। सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है 108 और Br का होता है 80। अगर 188 ग्राम AgBr होता है तो इसमें 80 ग्राम ब्रोमीन होगा, ये तो बात समझ में आती है। अगर 1 ग्राम AgBr हो तो कितना होगा, 80 डिवाइड बाई 180, और कितना ग्राम है, 141 मिलीग्राम दे रखा है, तो 80 × 188 × 141 मिलीग्राम हो जाएगा कौन, ब्रोमीन, इतना मिलीग्राम ब्रोमीन आ गया। तो मेरे को परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन चाहिए, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ये आ जाएगा 80 × 141 अपॉन 188 × 250 × 1000 100, ये 4 times हो जाएगा, 8 × 141 × 4 अपॉन 188, यही तो बात हुई। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 47 जो होगा वो 3 times कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 3 कितना, 24% कितना आ जाएगा, 24%। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कैसे करना है इसको, और इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर AgBr बनता है, परसेंटेज ऑफ Br चाहिए,
परसेंटेज ऑफ बीआर और एजीबीआर बना के दे रखा है, एजीबीआर बना के दे रखा है, तो आएगा ब्रोमीन के लिए 80, ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 80 अपॉन मास ऑफ एजीबीआर, सॉरी मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन 188, ये फिक्स हो गया, इनटू मास ऑफ एजीबीआर अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100, ये आ गया। अगर आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन चाहिए तो क्लोरीन कितना होता 35.5 अपॉन AgCl बनेगा तो 143.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgCl अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू कितना हो जाएगा 100, यही पैटर्न बन रहा है। ये 80 क्या था, Br का एटॉमिक वेट ही तो था, 188 क्या था, AgBr का मॉलिक्यूलर वेट। अगर परसेंटेज ऑफ आयोडीन चाहिए अगर आपको, तो आयोडीन का होता 127 अपॉन 235 इनटू मास ऑफ AgBr AgI अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100, ये बन जाएगा फॉर्मूला, देखो बन गए फॉर्मूले। ये फॉर्मूले डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो याद रखते हुए, तो अपना एक ही लाइन में काम हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले सिस्टमेटिक मेथड से बताया आपको, उसके बाद मैंने कहा देखो फॉर्मूला ये डिराइव हो रहा है, तो अब सीधा देखो 80 अपॉन 188 मास ऑफ AgBr कितना है 141 अपॉन मास ऑफ द सैंपल कितना है 250 इनटू 100 अप्लाई कर दो, यही तो बना 80 अपॉन 188 141 डिवाइड बाय 250 इनटू 100 बन गया। बोलो एक क्वेश्चन और देखे, ठीक है करें आगे। सल्फर के परसेंटेज की बात करते हैं, क्या दे रखा क्वेश्चन में 0.32 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर फॉर्म H2SO4, ये बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सल्फर होता है, उसका 0.32 ग्राम जो होता है वो H2SO4 बनाता है, ऑन रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ BaCl2 गिव्स 0.233 ग्राम बेरियम सल्फेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर। मैं पहले आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत सिंपल सा, ठीक है मैं आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आप अपना आप देखो कि इसको कैसे टैकल करना था। अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ लिया जाए कभी भी, तो करना क्या है सुनने बात को ढंग से, 32 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 233, ठीक है, इनटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइड बाय मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल इनटू 100 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको ये करना होता है। मैं अभी आगे इसका पूरा मेथड सॉल्व करके बता दूंगा अलग से, सेम तरीका है, 32 मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ बेरियम सल्फेट AgBr बन रहा था तब, मास ऑफ सैंपल इनटू 100 मैंने अप्लाइड किया, अप्लाइड कर रहा हूं 32 डिवाइड बाय 233 इनटू 0.233 अपॉन 0.32 इनटू 100। एक काम करो ना, इसको 320 मान लो, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये हो जाएगा 10, 100 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। ये देखो फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान काम हो गया, आया कैसे वो देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे आता है वो समझना। मैंने कहा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सल्फर, सल्फर कन्वर्ट होता है H2SO4 में, और H2SO4 जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट, ये रिएक्शन होती है ओवरऑल।
तो अपन वही तरीका अपनाएंगे, बेरियम सल्फेट में सल्फर का मास कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। कैसे कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे कि इसका मोलिकुलर वेट बेरियम सल्फेट में सल्फर ट्राई करने की कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे कि बेरियम सल्फेट होता 233 ग्राम तो इसमें होता 32 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, और इसलिए ये अपन को बेरियम सल्फेट कितना दे रखा है, ये इतने ग्राम में सल्फर कैलकुलेट हो गया, ये मास ऑफ सल्फर आ गया, डिवाइड बाई सैंपल कर दो इंटू 100 कर दो तो बनेगा, तो लास्ट में यही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन और ये परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करने के मेथड आ गए। बोलो हाँ या ना, आगे चारों क्वेश्चन समझ में, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉब्लम देखो, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, इन डूमास मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का मेथड है, नाम ध्यान रखें, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 30 ml N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 736 mmHg प्रेशर। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ एक्वस टेंशन ऑफ वॉटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 14 mm। ये बात बोली गई है, ठीक है, सुने बात को अब ढंग से सुनना। कैसे कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के दो मेथड है, एक डूमास मेथड है, एक जेल्डाल मेथड है। आगे जेल्डाल मेथड का क्वेश्चन मैं लिखवाने वाला हूं, 6 नंबर प्रॉब्लम जो आएगी। करना क्या, डूमास मेथड में होता क्या है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो CXHYNZ, इसका कंबशन करवाया, नाइट्रोजन का कंबशन होता नहीं है तो N2 गैस मिलती है, साथ में CO2 मिलेगी प्लस H2 हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन जब गैस कलेक्ट करते हो आप इस टाइप से, अगर जब नाइट्रोजन गैस आप कलेक्ट करते हो तो यहां पे नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होती है, यहां पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होती है। तो जब ये नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होती है तो इसको वाटर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नाइट्रोजन गैस कलेक्ट N2 गैस कलेक्ट ओवर द वाटर। तो एक बात बताओ, जब यहां पे गैस का प्रेशर का मेजरमेंट क्या है, तो क्या H2O का वेपर प्रेशर नहीं होगा क्या, H2O का वेपर प्रेशर भी तो होगा, यहां पे H2O की कुछ वेपर भी तो बनी हुई होगी, ये जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं, ये H2O की वेपर भी तो होगी। तो जो टोटल प्रेशर आएगा उसमें प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O, H2O बोले मीन्स वेपर, बोलो वेपर प्रेशर बोलो, इस वेपर प्रेशर को मैंने यहां पे एक्वस टेंशन नाम दे रखा है। टोटल प्रेशर कितना था, 736 mm ऑफ एचजी,
मैंने कहा नाइट्रोजन का प्रेशर बताओ भैया, तो प्रेशर ऑफ H2O कितना है 14 mm, तो प्रेशर ऑफ N2 जो आएगा वो आएगा 720 mm ऑफ Hg। मैंने कहा ये काम करो, प्रेशर ऑफ N2 तो आ गया, अब PV इक्वल टू NRT लगा दो। क्या अप्लाई कर दिया जाए? PV इक्वल टू NRT। ये लो अप्लाइड कर रहा हूं, PV इक्वल टू NRT अप्लाइड कर रहा हूं। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। 722/760 इंटू कितना ml है? 30 ml है। ये लो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मेरे को मास कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 28। आर की वैल्यू 1/12 रख दो, ये 300 रख दो। यही बात हुई, मास इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है बात, 722 × 28 × 12 अपॉन 760 × 10⁻³ ग्राम आएगा। बोलो हाँ या ना, ऐसा आएगा ना? ठीक है, अगर ऐसा आएगा, ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, ये किसका आ गया? मास ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ सैंपल जो 0.2 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना गया? 722 × 28 × 12 × 10⁻³ अपॉन 760 × 0 × 0.2 × 100। ये हो जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल, 722 × 28 × 12 अपॉन 760 × 0 × 2। ठीक है, ये बनने वाला है, ये बनने वाला है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो नाइट्रोजन आएगा अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज आएगा? 16% आएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आएगा बिल्कुल। पहले आपको प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट कर देना, एक्वस टेंशन माइनस करते हुए PV इक्वल टू NRT से मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको रफली आइडिया के लिए अगर बात कर लू ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 28 × 6 कितना होता है अप्रोक्सीमेट 3180 डिवाइड बाई 10, 18% आना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली 16% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे। ये डुमाज मेथड है, पहले प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट करो और उसके बाद PV इक्वल टू NRT लगा के मास कैलकुलेट कर लो और फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देख लो। लास्ट मेथड देखिएगा, जेल्डाल मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड देखिएगा, जेल्डाल मेथड। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बस आपको टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इसके अंदर टाइट्रेशन करके एक वर्ड बोलेगा, इन जेल्डाल मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन जेल्डाल मेथड द अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड is required 10 ml of 1 molar H2SO4 for complete neutralization calculate percentage of nitrogen। ये आपसे पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। जेल्डाल मेथड में ये बोला कि अमोनिया मिला, ठीक है, अमोनिया ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा? सुने बात को,
अमोनिया इज ए बेस एंड H2SO4 इज ए एसिड, तो इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड तो रहेगा ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। अगर इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड होता है तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस का मतलब मेरे को तो अमोनिया का मास चाहिए पहले, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट 17 ही होगा, इसका 10 ml है इंटू 1 molar है तो 1 × n फैक्टर हो गया 2 × 10 ml है तो 10⁻³, ये आ गया मास 34 × 10⁻²g मीन्स 0.34g। ये किसका मास आया है? अमोनिया का। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा इसके अंदर? मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, देखो अमोनिया 17 ग्राम होता है तो नाइट्रोजन होता है 14 × 17 × 0.34 क्या आ जाएगा 0.28g नाइट्रोजन आ गया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए ना अपन को, तो 0.28 / 0.5 × 100 इज 56%। कितना आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज? 56%। ये जेल्डाल मेथड है। एसिड बेस का टाइट्रेशन करवाया, ये एसिड बेस का नॉर्मल टाइट्रेशन हो गया, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये एसिड का इक्विवेलेंस आ गया, मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम ml में था तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, मास ऑफ अमोनिया ये आ गया, ये एस्टिमेशन हो गया। बोलो बात क्लियर है सारी? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं तो ये एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कंप्लीट हुआ, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ठीक है ये सब कुछ कैलकुलेट करवा दिया मैंने, यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई यूनिट के साथ, सॉल्यूशन रेडॉक्स की यूनिट कंप्लीट हो गई और पहली यूनिट थी मोल और एटम की, वो भी कंप्लीट हो गई, दो यूनिटें अपनी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में अपन मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ओके।